अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 to 10। एक्सरसाइज 6.4 है जी आपकी, इवेल्युएट द इंटीग्रल्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2x-1 ओवर x इंटू x-1 इंटू x-3। आपके पास यहाँ पर तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। तीन आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं और तीनों ही आपके पास नॉन रिपीटेड हैं। इट मींस कि ये आपके पास केस 1 है। केस 1 आपने स्टडी किया था जिसमें आपके पास लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं। तो ये आपके पास केस 1 है। और लीनियर फैक्टर्स को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हैं, आप अपना एक कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे अपना पहला फैक्टर लिखते हैं, फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे आप दूसरा लीनियर फैक्टर लिखते हैं, फिर आप तीसरा कांस्टेंट लिखते हैं और उसके नीचे आप तीसरा लीनियर फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास तीन लीनियर फैक्टर्स हैं तो आपको तीन कॉन्स्टेंट्स की जरूरत है। पहले कॉन्स्टेंट के नीचे आप पहला लीनियर फैक्टर लिखेंगे, दूसरे कॉन्स्टेंट के नीचे आप दूसरा लीनियर फैक्टर लिखेंगे, तीसरे कॉन्स्टेंट के नीचे आप तीसरा लीनियर फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, और जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं तब आप यहां पर इंटेग्रल का साइन ना लगाएं। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके एंड पर आप जो है दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिएगा। तो यही स्टेप जो है वो मैंने नीचे दोबारा राइट डाउन कर दिया इंटेग्रल का साइन रिमूव करके। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें दोनों तरफ। एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू x-1 इंटू x-3। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ रहा है एक्स इंटू x-1 इंटू x-3। किन टर्म्स का आप एलसीएम ले रहे हैं, इस टर्म का और इस टर्म का। ठीक है, तो आप अपनी इन तीनों टर्म्स को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स इंटू x-1 इंटू x-3, एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू x-1 इंटू x-3 एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। x, x-1 और x-3, ये आपके पास एलसीएम आया है। यहां पर आपने तीनों टर्म्स को अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर आप देखो तो x x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस, यहां से आप देखो तो ये x-1 इस x-1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी एक्स इंटू x-3। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा बी एक्स और x-3। और आगे आप देखें आपके पास x-3 वाली टर्म जो है वो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा सी एक्स इंटू x-1। तो यहां पे मैंने लिख दिया सी एक्स इंटू x-1। ठीक है, और यहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आपके पास 2x-1 ओवर x इंटू x-1 इंटू x-3। ठीक है, तो आप देखो तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपकी डिनोमिनेटर जो है वो इस साइड के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2x-1 a इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस बी एक्स इंटू x-3 प्लस सी एक्स इंटू x-1। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों रिजोल्व करते हैं। हम अपनी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इसलिए रिजोल्व करते हैं क्योंकि आपकी जो रैशनल फ्रैक्शन है ना उसमें आप देखो आपके डिनोमिनेटर में दो या तीन तीन टर्म्स जो है उनकी मल्टीप्लीकेशन आ रही है। अगर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास न्यूमिरेटर में आ रही हो ना, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन ना हो, न्यूमिरेटर में यानी कि विदाउट फ्रैक्शन आपके पास टर्म्स कुछ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वहां पर आप बाय पार्ट्स लगा लेते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, या आप सारों को मल्टीप्लाई कर लें, उसको ओपन करें, इंटीग्रल सबके ऊपर सेपरेट करें, उसको आप इंटीग्रेट कर लें। बट जब आपकी फ्रैक्शन में दो दो तीन तीन टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं तो वहां पर इंटीग्रल को सॉल्व करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी रैशनल फ्रैक्शन को टू या टू से ज्यादा टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो जो आप टू या टू से ज्यादा के सम में अपनी इस रैशनल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ठीक है, यहां पर आप देखो मैंने इस टर्म को रिजोल्व किया है थ्री टर्म्स के सामने। ठीक है,
मैंने अपनी एक सिंगल टर्म को सप्लिट कर दिया इनटू सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। इससे आपको इंटीग्रेशन जो है वो करनी इजी हो जाती है। आपके डिनोमिनेटर में आप देखो आपको कहीं पे भी दो टर्म्स नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर यहां पर आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, ए बी सी की आप वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं, उसके बाद आप दोनों साइड पर अपना इंटेग्रल अप्लाई करते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी आपका लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को हम वन बाय वन जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला लीनियर फैक्टर आपका एक्स है, इसको जब आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। दूसरा लीनियर फैक्टर आपके पास x माइनस वन है, इसको जब आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू वन आ जाएगी। तीसरा लीनियर फैक्टर आपके पास x माइनस थ्री है, जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू थ्री आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने रखा है x को वन, आप इन तीनों में से कोई भी पहले रख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने x को रखा है वन, अब आप देखें जब मैं यहां x को वन रखूंगी तो मेरे पास टू इंटू वन टू हो जाएगा और आगे माइनस वन एज इट इज, ठीक है। यहां जब मैं x की जगह पर वन रखूंगी तो वन माइनस वन मेरे पास जीरो हो जाएगा, यहां मैंने x की जगह पर वन रख दिया, इधर भी मैंने x की जगह पर वन रख दिया, इधर भी मैंने x की जगह पर वन रख दिया, इधर भी x की जगह पर वन रख दिया, इधर भी x की जगह पर वन रख दिया, तो ये भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहां पर जब जीरो को आप 1 माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये वाली सारी टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास सिर्फ बचेगा b 1 और 1 माइनस थ्री, तो 1 माइनस थ्री करेंगे यू गेट माइनस टू, माइनस टू के साथ इधर आपके पास लिखा हुआ 1, तो माइनस टू इंटू 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस टू, और ये वाला b आपके पास एज इट इज। यहाँ पे आप 2 माइनस 1 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस 2 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा आपको b की वैल्यू तो मिल गई माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब मैं x को रखने लगी हूँ 3, यहां पर आप देखें जब मैं x को 3 रखूंगी, यहां 3 रखूंगी तो 3 माइनस 3 0, 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये वाली सारी टर्म मेरी 0 हो जाएगी। इसी तरह जब मैं यहां 3 रखूंगी 3 माइनस 3 0, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये वाली सारी टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। नो डाउट आप यहां भी x की जगह पर 3 रखेंगे लेकिन ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। यहां c आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा और इधर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है c इंटू थ्री इंटू थ्री माइनस वन, और जब यहां पर आप x की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, आपके पास 6 माइनस वन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 6 माइनस वन आपके पास 5 है, यहां पर आप 3 माइनस वन करेंगे यू गेट 2, 2 इंटू थ्री 6 आ जाएगा, आपके पास 6c आ जाएगा। तो 6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 5/6, ठीक है। अब मैंने x की जगह पर 1 भी रख लिया, x की जगह पर 3 भी रख लिया, अब आपने और क्या रखना है, x की जगह पर 0 रखना है। तो देखें जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू a इंटू 0 माइनस 1, यहां पर x की जगह पर 0 रखेंगे माइनस 3 आपके पास एज इट इज, यहां पर जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे और यहां पे भी x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली सारी टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये 0 जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली सारी टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। यहां पर आपके पास 0 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस 1, और यहां पर 0 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा माइनस 3, साथ आपके पास लिखा हुआ है a, ये आपके पास यहां पे 2 इंटू 0 आपके पास 0 हो जाएगा, यहां पर आपके पास रह जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 3a,
अब 3 आपका यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लें, b और c की आप निकाल चुके हैं। दूसरा तरीका देखें, अगर आप x को यहाँ पर जीरो नहीं रखना चाहते तो आप दूसरा तरीका देखें आप कैसे a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने से क्या मुराद है, मैंने इसको ओपन करके लिख लिया। यहाँ पर x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, यू गेट माइनस 3x। माइनस 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वन जर आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ बी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट माइनस 3 बी एक्स। सी एक्स को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट सी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स को माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट माइनस सी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 3x और माइनस x आपके पास हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा माइनस 4x। अब a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 4ax, ए को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3a, बी एक्स का स्क्वायर और बाकी आपकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी आपके पास एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म्स है, एक ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, एक मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली और एक मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली। इन तीनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद एक्स वाली एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है और एक टर्म मेरे पास ये है, इन सब में से भी मैंने x कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ जाएगा माइनस 4a माइनस 3b और माइनस c, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक आखिरी टर्म बचेगी जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसके साथ x मौजूद नहीं होता, तो ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, मैंने अगर कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लूं दोनों साइड से तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप x वाली टर्म्स को भी कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड से, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए अगर आप x वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशियंट यहाँ पर ये सारी टर्म है और यहाँ पर x का कोफिशियंट 2 है, फिर यहाँ पे आपको b की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, c की भी रखनी पड़ेगी, एलसीएम लेना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, फिर आपको a की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंट वाली टर्म कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे a की वैल्यू इजिली मिल जाएगी क्योंकि यहाँ ना b है ना c है, ठीक है। तो माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास 3a आ जाएगा जब मैं दोनों साइड से कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करूंगी। 3 यहाँ a के साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करके सॉल्व कर रहे हो तब भी आपके पास a की वैल्यू माइनस 1/3 आई है, और जब आपने x की जगह पर 0 रखा था, x की जगह पर जब आपने 0 रखा था तब भी आपने देखा था कि a की वैल्यू आपके पास माइनस 1/3 आई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप x की वैल्यू 0 रखें, क्योंकि आपके पास जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं आप सबको 0 के इक्वल रखते हो, तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे वहां से आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप यहां पर x की जगह पर 0 रख के डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अगर आप रीअरेंज करके उसको सॉल्व करते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। अगर आपको दो स्टेप्स के अंदर a की वैल्यू मिल रही है तो इतना लेंथी प्रोसेस करने की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप दो की वैल्यूज निकाल कर थर्ड वन की वैल्यू अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करके कॉफिशियंट्स या कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करके निकालना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू, अदरवाइज आप एक्स की वैल्यूज रख के भी एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 1/3, बी की वैल्यू आपने देखा माइनस 1/2 आई है, ठीक है, यहां लगानी है आपने, और सी की जो भी आपके पास वैल्यू आई है वो आपने यहां पर लगानी है, ठीक है। तो आपके पास जो ऊपर इक्वेशन है जिसमें आपने एबीसी की वैल्यूज लगानी है वो इक्वेशन आपके पास है जी 2x माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही आपने रिजॉल्व किया था ना पार्शियल फ्रैक्शन में इसको,
पहले कांस्टेंट के नीचे पहला लीनियर फैक्टर लिखा था, दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर लिखा था, तीसरे कांस्टेंट के नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर लिखा था। तो ए की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस वन ओवर थ्री, ये वाला एक्स साथ वैसे ही। बी की वैल्यू आई है माइनस वन ओवर टू, ये एक्स माइनस वन साथ वैसे ही। सी की वैल्यू आपके पास आई थी फाइव ओवर सिक्स, ये एक्स माइनस थ्री साथ वैसे। ठीक है, उसके बाद आपने तो इसको इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन आपके पास ये था। ठीक है, इसका मतलब आपको इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन चाहिए तो मैंने आपसे कह दिया कि आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रेंट अप्लाई कर लें। जब आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रल्स अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल आपका इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन से बाहर चले गए और आपको पता है कि वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होती है लॉग ऑफ एक्स, वन ओवर एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, और वन ओवर एक्स माइनस थ्री की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री, और साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर एट आ रहा है, सिक्स और सेवन जो है वो स्किप हो रहे हैं। ठीक है, सेवन वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर एट के बाद आई थिंक सो सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर सिक्स शायद स्किप है। ठीक है, तो चले अपने क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है जी आपके पास एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है भी कि नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, जिसमें आपकी डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर लेस होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, आप देखिए आपके पास न्यूमिरेटर की डिग्री क्या है, यहाँ पर वन, और आपके डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर की डिग्री है थ्री, तो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप को अगर याद हो तो लेक्चर नंबर वन में मैंने आपको फोर केसेस पढ़ाए, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। पहले केस में आपने पढ़ा कि आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। ठीक है, अगर आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो आपने देखा आप अपनी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। सेकंड केस में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएं तो आप अपनी अपने रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। थर्ड केस आपके पास था नॉन रिपीटेड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, और फोर्थ केस जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा रिपीटेड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये चार केसेस आपने पढ़े, यानी कि दो केस आपने लीनियर के लिए पढ़े, एक केस में लीनियर के साथ नॉन रिपीटेड है, दूसरे केस में लीनियर के साथ रिपीटेड है, फिर दो केस आपने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े, क्वाड्रेटिक में एक दफा आपके पास नॉन रिपीटेड है और एक दफा आपके पास रिपीटेड है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली आपके पास ये चीज होती है कि अगर यहां इररिड्यूसेबल का वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर इररिड्यूसेबल का वर्ड है, रिड्यूसेबल का वर्ड क्यों यूज नहीं किया गया, रिड्यूसेबल का वर्ड इसीलिए यूज नहीं किया गया कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और वो अगर फैक्टराइज हो सके तो वो लीनियर में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको आप रिड्यूस कर सको वो फिर क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं है, वो लीनियर हो जाता है। ठीक है, आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे, लेट सपोज आपके पास कहीं लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहां पर पावर टू है। अब आप देखो ये भी x का स्क्वायर है, ये आपके पास टू का स्क्वायर है, तो जब आपके पास कोई चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आती है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इन दोनों को एक दफा आप माइनस के साथ लिखोगे, एक दफा आप प्लस के साथ लिखोगे, यही फॉर्मूला है ना, कि ये पावर को छोड़कर एक दफा इन दोनों को आप माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर आप पावर्स को छोड़कर एक दफा इनको माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफा प्लस के साथ। अब आप देखो कि इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, तो ये रिड्यूस हो गया, लेकिन ये रिड्यूस होके क्या बन गया, फिर लीनियर फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसलिए जब क्वाड्रेटिक की बात की है तो उसने इररिड्यूसेबल की बात की है, क्योंकि अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो आप तो वापस इसी केस पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपने चार केसेस पढ़े, दो लीनियर के लिए पढ़े, दो क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े। लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हो। ठीक है, आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थ्री आ गई है। तो अब मैंने थ्री के लिए तो कोई केस नहीं पढ़ा, कोई केस है यहाँ पे क्यूबिक फैक्टर्स के लिए, कोई केस नहीं है। ठीक है,
तो फिर जब आपके पास इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो आप वहां पर गौर फरमाएं, आपके पास लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि एक्स का स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। एक्स की तीन पावर्स में से जब मैं एक्स का स्क्वेयर कॉमन करूंगी तो अंदर मेरे पास एक्स की एक पावर रह जाएगी और यहाँ पे टू आएगा आपके पास और ये एक्स स्क्वेयर आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, अब आप देखें अब ये आपके पास क्या आया। अब आपने ये नहीं कहना कि यहां पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? ठीक है पावर टू है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, लेकिन इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इनटू एक्स इनटू एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा। ये जो आपके पास एक्स का स्क्वायर है ये बेसिकली दो लीनियर फैक्टर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए अगर आपके पास कहीं पे लिखा होता है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये लीनियर फैक्टर है लेकिन ये टू टाइम्स आ रहा है क्योंकि एक्स प्लस टू के स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर जो आपका एक्स का स्क्वायर है ये आपके पास बेसिकली एक्स इंटू एक्स है, इट मीन्स कि आपका ये एक्स वाला फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है और ये दोनों लीनियर है क्योंकि यहां पे भी पावर वन है यहां पे भी पावर वन है, लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, इनके रिपीट होने की वजह से यहां पर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास केस नंबर टू हम यहां पर फॉलो करेंगे कि आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हो? जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आता है तो आप क्या करते हो, आप कांस्टेंट लिखते हो। ठीक है, कांस्टेंट लिखते हो और अपना लीनियर फैक्टर लिखते हो विद पावर वन। ठीक है, कांस्टेंट लिखते हैं अपना लीनियर फैक्टर लिखते हैं विद पावर वन, फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं और आप फिर अपना वही लीनियर फैक्टर लिखते हैं विद पावर टू। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि आपके पास ये जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना इसकी आप पहले पावर वन के साथ लिखते हो फिर आप एक पावर इसकी बढ़ा कर लिखते हो। ठीक है, और पावर आप तब तक बढ़ा कर लिखते जाते हो जब तक आप वापस इस पावर तक ना पहुंच जाओ। ये देखो आप वापस इस पावर पे पहुंच गए हो, आपके पास यहां पर भी टू है यहां पे भी टू आ गया। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास एक्स की पावर थ्री होता तो फिर आप एक पावर एक कॉन्स्टेंट और एड करते और एक पावर और बढ़ाते, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करेंगे, पहले कांस्टेंट के नीचे आप अपने एक्स की पावर वन रखेंगे फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे और एक्स की एक पावर बढ़ाकर लिखेंगे और पावर आपने तब तक बढ़ाते जाना होता है जब तक आप इस पावर तक वापस ना पहुंच जाए, तो आप ये दूसरे स्टेप में इस पावर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर आप देखो फैक्टर आपके पास जो आपके पास थर्ड फैक्टर है ये लीनियर है और ये रिपीटेड भी नहीं है, तो आपको पता है कि आप लीनियर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं और उसके नीचे अपना फैक्टर लिख देते हैं। अगर आपके पास यहाँ एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स आ रहे होते, अगर दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे होते तो आप दो कांस्टेंट्स लेते और पहले कांस्टेंट के नीचे आप पहला लीनियर फैक्टर लिखते हैं दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर लिखते हैं। अब यहां पर सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है जो नॉन रिपीटेड है, तो आपने अपना कांस्टेंट लिखना है और उसके नीचे आपने अपना लीनियर फैक्टर लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम आपके पास इसका आएगा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना कि यहां पर एक्स क्यों नहीं आया, आप मुझे बताएं अगर आपके पास लिखा हो वन ओवर टू प्लस वन ओवर फोर, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसका एलसीएम आपके पास आता है फोर। नाउ लेट्स सी, ये वन ओवर टू है, ये वन ओवर फोर क्या होता है, वन ओवर टू का स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम में आप सिर्फ यही वाला पार्ट लिख रहे हो, क्या यहां पर आप फोर के साथ टू भी लिखते हो, क्या ये वाला टू आप साथ लिखते हो, नहीं लिखते हो। ठीक है, आप कहते हो कि एलसीएम आपके पास ये टू का स्क्वायर यानी कि फोर आएगा, आप ये वाली टर्म जो है वो साथ मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो एलसीएम जब भी आपके पास सेम टर्म्स आ रही होती है ना तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर वाली टर्म आती है, याद रखना जब भी आपके पास सेम टर्म्स आए तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपका एलसीएम होता है। उसके बाद जो आपका एलसीएम आ रहा है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखो ये x प्लस टू आपका इस x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी एक्स का स्क्वेयर, ये आपका एक्स स्क्वेयर इस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स की एक पावर इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास यहाँ पर बचेगा ए एक्स और एक्स प्लस टू, ठीक है। उसके बाद आप देखें दोनों तरफ आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सिर्फ बचेगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं उसको आपने वन बाय वन जीरो के इक्वल रखना है और वहां से आपने जो है x की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। वो x की वैल्यूज जो निकलेंगी वो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप a b c की वैल्यूज फाइंड कर सको। तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर x प्लस टू है, यहाँ पर आप x प्लस टू को अगर जीरो रखोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। दूसरा ये भी आपका लीनियर फैक्टर था बिकॉज एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक लीनियर फैक्टर आपके पास ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है, बट ये दोनों आपके पास रिपीटेड है तो आप इसमें से किसी एक को जीरो के इक्वल रख ले, आपके पास वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप जीरो के इक्वल रखोगे तब भी x जीरो मिलना है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तब भी x जीरो मिलना है। तो एक दफा x को माइनस टू रख लें, एक दफा x को जीरो रख लें, और अगर आप x को जीरो नहीं रखना चाहते तो फिर आप वैसे ही अपने कॉफिशियंट या कॉन्स्टेंट कंपेयर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं x को जो है वो माइनस टू रखने लगी, यहां पर आप माइनस टू रखेंगे, ये माइनस थ्री साथ वैसे ही, यहां पे जब आप x की जगह पर माइनस टू रखोगे नो डाउट आपका माइनस टू यहां पर भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहां माइनस टू रखोगे तो ये माइनस टू प्लस टू आपके पास जीरो हो जाएगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपकी ये वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी। जब आप यहां माइनस टू रखोगे तो ये भी माइनस टू प्लस टू आपके पास जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो यहां पर आपने सिर्फ एक्स की जगह पर माइनस टू रखा, माइनस टू का स्क्वायर लिया, यू गेट फोर, ये माइनस टू और माइनस थ्री आपके पास माइनस फाइव हो गया। फोर आपके पास यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस फाइव ओवर फोर। अब आगे चलें, आगे मैंने क्या किया, मैंने इस ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, आई गेट ए एक्स का स्क्वायर, इस ए एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया, आई गेट टू ए एक्स, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया बी एक्स, बी को टू से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया टू बी, और यहां पर आपके पास आगे लिखा हुआ है सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहां से कॉफिशियंट्स अगेन देख लिए, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो यहां पे मेरे पास दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, अंदर मेरे पास रह जाएगा ए प्लस सी, एक एक्स वाली टर्म मेरे पास ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में से भी मैंने एक्स कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह जाएगा टू ए प्लस बी, ठीक है, और ये मेरी कॉन्स्टेंट टर्म है टू बी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ से कॉन्स्टेंट कंपेयर कर लिए, कॉन्स्टेंट कंपेयर कर लिए, मैंने कॉन्स्टेंट कंपेयर करने से ये फायदा होगा कि मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वो होता है जिसके साथ एक्स मौजूद ना हो, ठीक है। यहां पर आपका कॉन्स्टेंट टू भी है, यहां पे आपका कॉन्स्टेंट माइनस थ्री है, तो टू यहां मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई, सी की भी आ गई, अभी भी एक वैल्यू मेरे पास कम है, वो ए की है, ठीक है। अब मैंने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, आपकी मर्जी है आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट्स कंपेयर कर लें या आप एक्स के कॉफिशियंट्स कंपेयर कर लें, दोनों साइड से आपकी मर्जी है। मैंने एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट्स कंपेयर किए हैं, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट मेरे पास ए प्लस सी है और यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो उसका कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर आप एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर करते तो यहां पर एक्स का कॉफिशियंट वन था और यहां पर x का कॉफिशियंट 2a प्लस बी था, तो आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कंपेयर किया,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए प्लस सी है, और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कॉफिशियंट मेरे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी आपका यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा। सी की वैल्यू अब आप निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर आप पुट करें, सी की वैल्यू आपके पास माइनस फाइव ओवर फोर आई थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें सी आपके पास माइनस फाइव ओवर फोर आया है, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास माइनस फाइव ओवर फोर आई है, यहाँ मैंने माइनस फाइव ओवर फोर रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास फाइव ओवर फोर हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था एक दफा एक्स को जीरो भी रखना है, वो तो मैंने रखा नहीं, ठीक है। तो चलें आपके इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर करती चलती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगर आप एक्स को जीरो रखते, यहां जीरो रखेंगे ये वाली सारी टर्म जीरो, यहां जीरो रखेंगे ये भी जीरो, ठीक है। यहां जब जीरो रखोगे एक्स को तो जीरो प्लस टू आपके पास आ जाएगा टू भी, और यहां भी जब आप जीरो रखोगे तो जीरो माइनस थ्री आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। तो आपके पास यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू। आप चाहें तो बी की वैल्यू ऐसे निकाल लें, आप चाहें तो बी की वैल्यू बेशक कांस्टेंट कंपेयर करके निकाल लें, दोनों तरह से सेम आएगी, ठीक है। आपके पास सी और बी की वैल्यू मिलती है जब आप एक्स की जगह पर एक दफा जीरो रखते हो और एक दफा आप एक्स की जगह पर माइनस टू रखते हो, ठीक है। एक्स की जगह पर एक दफा माइनस टू रखते हो और जीरो रखते हो तो आपको सी और बी की वैल्यू मिलती है, ए की फिर भी नहीं मिलती, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कंपेयर करने पड़ेंगे, तो मैंने बी की भी कंपेयर करके ही निकाल ली। आपकी मर्जी है, आप वैल्यूज एक्स की पुट करके निकाल लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, अगर आप कंपेयर करके निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन आपके पास था जी एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा था पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने ए बी और सी की वैल्यू रखनी है, ए आपके सामने है, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास आई थी फाइव ओवर फोर, यहां ए की जगह मैंने रख दिया फाइव ओवर फोर, ये नीचे जो एक्स है ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस थ्री ओवर टू, ये एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज, और सी की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस फाइव ओवर फोर, तो यहां सी की जगह पर मैंने लगा दिया माइनस फाइव ओवर फोर, ये जो एक्स प्लस टू लिखा है साथ ये वैसे, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना था तो मैंने आपको कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे, कॉन्स्टेंट्स को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, ठीक है। ये थ्री ओवर टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, फाइव ओवर फोर कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपको पता है कि वन ओवर एक्स प्लस टू की इंटीग्रेशन आपके पास होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, यहां पर आपके पास वन ओवर एक्स रह जाएगा, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास है लॉग ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पावर आपके पास वन से जब एक्सीड कर जाए तो आप उसको ऊपर ले जाते हैं, तो जब आप ऊपर लेके जाएंगे पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट आप कैसे करते हैं, ये पावर छोड़कर आप देखते हैं आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन का एक्स का डेरिवेटिव वन है और वन मेरे पास हर जगह मौजूद है, इसका मतलब कि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ क्योंकि पावर को छोड़कर मेरे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। तो फिर आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सिंपली पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से आप डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जब आप पावर में एक ऐड करोगे, माइनस टू में जब आप वन ऐड करेंगे यू गेट माइनस वन, और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा थ्री ओवर टू, और यहां पर एक्स की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। ये मिस हो गया था, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन है ये, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो स्किप हो गया आई थिंक, तो फिर उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सेम है जैसे आपके फर्स्ट एट क्वेश्चन है वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है, ठीक है। चलें जी अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास पावर थ्री आ रही है, अगेन क्यूबिक है, इसका मतलब है कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर थ्री है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, एक्स की पावर वन आपके पास कॉमन आ जाएगी, तीन में से एक पावर बाहर कॉमन चली गई, अंदर आपके पास एक्स का स्क्वायर रह जाएगा और यहां पर आपके पास माइनस सिक्सटीन आ जाएगा क्योंकि ये एक्स आप कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये आपके पास एक्स का स्क्वायर है और ये आपके पास फोर का स्क्वायर है, ठीक है।
16 आपके पास 4 का स्क्वेयर होता है, तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो जब आपके पास ऐसी फॉर्म होती है तो आप क्या करते हो, इनको वन टाइम एड के साथ लिखते हो और वन टाइम आप सबट्रैक्ट के साथ लिखते हो, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह मैं वन टाइम एड और वन टाइम सबट्रैक्ट के साथ लिखने लगी हूं। तो ये आपके पास एक दफा x माइनस फोर आ जाएगा और एक दफा आपके पास x प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करना है। आप देख रहे हैं कि आपके ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों के तीनों आपके पास नॉन रिपीटेड है, इट मीन्स ये आपका केस वन है। और जब आपके पास तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स होंगे तो फिर आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हो, आप पहला कॉन्स्टेंट लिखते हो उसके नीचे पहला लीनियर फैक्टर, फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखोगे उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर, फिर आप तीसरा कांस्टेंट लिखोगे उसके नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर, ठीक है। फिर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी एलसीएम आएगा आपके पास एक्स एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर, ठीक है। जो आपका एलसीएम आया उससे आप अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को भी आप अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म को भी आप अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से आपका x प्लस फोर इस x प्लस फोर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x माइनस फोर इस x माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ बचेगा a x माइनस फोर और x प्लस फोर, a x माइनस फोर और x प्लस फोर, ठीक है। b के साथ आपका क्या बच रहा है, एक x बच रहा है और एक x प्लस फोर बच रहा है, और c के साथ आपका क्या बच रहा है, एक x बच रहा है और एक x माइनस फोर बच रहा है, ठीक है। और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है जी 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64, और नीचे आपके पास है x x माइनस फोर x प्लस फोर। तो ये आप देखो आपका दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 5x² माइनस 2x प्लस 64 बचेगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपकी ये वाली सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके तीन लीनियर फैक्टर्स हैं 1 2 3, वन बाय वन आप तीनों को जो है वो जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आप इधर x को जीरो रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जब आप x माइनस फोर को जीरो रखेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जो है वो फोर आ जाएगी, ठीक है। जब आप यहां पर x प्लस फोर को जीरो रखेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी। आप जिस मर्जी को जीरो के इक्वल रख लें पहले, जिस मर्जी जौन सी मर्जी वैल्यू जो है वो पहले सब्सटीट्यूट कर लें। सबसे पहले मैंने x को रखा है फोर, अब आप देखें जब आप यहां फोर रखेंगे फोर माइनस फोर ये वाली सारी टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी, यहां 4 रखेंगे तो 4 माइनस फोर ये वाली भी सारी टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो यहां मैंने x की जगह पर 4 लगा दिया, यहां पर भी x की जगह 4 लगा दिया, और ये 4 साथ वैसे बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी मैंने x की जगह 4 लगा दिया, ऊपर स्क्वेयर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, यहां पर भी x की जगह 4 लगा दिया और आगे 64 एज इट इज। उसके बाद 4 का स्क्वेयर लेंगे आपके पास 16 आ जाएगा, 16 5 जार 80, 4 2 जार करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस 64 जो है वो आपके पास एज इट इज, 80 प्लस 64 करेंगे आपके पास आ जाएगा 144, 144 माइनस 8 करेंगे यू गेट 136, यहां पर 8 4 जार आपके पास 32 आ जाएगा, 32 यहां b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसकी आप कटिंग करेंगे तो यू गेट 7 ओवर 4, ठीक है, b की वैल्यू आ गई 7 ओवर 4। अब मैं x की जगह पर पुट करने लगी हूं माइनस 4, तो यहां जब आप x की जगह पर माइनस 4 पुट करेंगे, x की जगह पर जब आप माइनस 4 पुट करेंगे तो ये माइनस 4 प्लस 4 होगा, जीरो हो जाएगा, तो आपकी ये वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी।
इसी तरह जब यहां आप x की जगह पर माइनस फोर पुट करेंगे तो ये माइनस फोर प्लस फोर आपके पास जीरो हो जाएगा, तो ये वाली सारी टर्म भी आपके पास जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा c माइनस फोर, ब्रैकेट में लिखिएगा, ये ना हो कि c मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर है उसको आप c माइनस फोर बना दें, दिस इज रॉन्ग। आपके पास आएगा c माइनस फोर और x की जगह पर माइनस फोर और आगे वाला माइनस फोर साथ वैसे ही। ठीक है, तो देखिएगा मैंने बिल्कुल ऐसे ही यहां पर लिखा है, ये मेरे पास आ गया c इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, और यहां पर मेरे पास लिखा हुआ था जी 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी x की जगह माइनस फोर लगा दिया, यहां भी x की जगह माइनस फोर लगा दिया, और ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज। तो माइनस फोर का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास 16 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जार 8, 16 फाइव जार 80, 80 प्लस 8 प्लस 64 करेंगे यू गेट 152। माइनस फोर माइनस फोर माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 फोर जार 32 हो जाएगा, 32 यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 19/4। अब मैंने एक्स को फोर भी रख लिया, माइनस फोर भी रख लिया, अब आपने एक्स को जीरो रखना है। ठीक है, तो आप देखें एक्स को जब आप जीरो रखेंगे तो आपके पास यहां जीरो रखोगे, यहां पे भी रखोगे। ठीक है, लेकिन यहां जीरो रखने से ये जीरो जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब यहां आप एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये वाली सारी टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और जब आप यहां जीरो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीरो माइनस फोर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस फोर। ठीक है, जीरो माइनस फोर, जीरो प्लस फोर। तो जीरो माइनस फोर क्या होता है, माइनस फोर होता है, और जीरो प्लस फोर क्या होता है, फोर होता है, और साथ आपके पास लिखा हुआ है ए, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा ए इंटू माइनस फोर इंटू फोर। यहां पर जब आप एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, यहां जीरो रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 64 बचेगा और राइट साइड पर आपके पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आपके पास माइनस फोर इंटू फोर करेंगे आपके पास माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 16 यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करने के बाद आपके पास माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास आई है माइनस फोर, बी की वैल्यू आपके पास आई है 7/4, और सी की वैल्यू आपके पास आई है 19/4। ए की वैल्यू माइनस फोर है और ए के नीचे आपका पहला लीनियर फैक्टर था एक्स, बी की वैल्यू 7/4 है और बी के नीचे आपका दूसरा लीनियर फैक्टर था एक्स माइनस फोर, सी की वैल्यू आपके पास 19/4 आई है और सी के नीचे आपका तीसरा लीनियर फैक्टर था एक्स प्लस फोर। ठीक है, यानी कि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ था ना, 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64, और ओवर में आपके पास था जी x, x माइनस 4 और x प्लस 4। तो इसको जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व किया तो आपने लिखा था यहां पर a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 4 प्लस c ओवर x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर मैंने a की वैल्यू पुट किया माइनस फोर, ये x साथ वैसे ही, यहाँ b की वैल्यू पुट किया 7/4, ये x माइनस फोर साथ वैसे ही, यहाँ c की वैल्यू पुट किया 19/4 और यहाँ पर x प्लस फोर एज इट इज। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने लिख दिया कि इंटीग्रेट कर दें आप दोनों साइड को, किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से करना है, क्योंकि यहां पर आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डी एक्स हेयर। उसके बाद आपके जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके इंटेग्रल से बाहर चले जाएंगे, 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ एक्स है, 1/x-4 को आप इंटीग्रेट करेंगे यू गेट लॉग ऑफ x-4, और यहां पर 1/x+4 को इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट लॉग ऑफ x+4, और एंड पर आपने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी एड करना है, बिकॉज ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी एड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 10x प्लस 25 ओवर x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब ये आपके पास x का स्क्वायर है, ये आपके पास 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है और ये आपके पास x का स्क्वायर है। अब आपको पता है कि आप ये फॉर्मूला एक पढ़कर आए हैं कि आपके पास यहां पर होता है a का स्क्वायर
यहां पर आपके पास होता है बी का स्क्वायर और सेंटर में आपके पास क्या आता है, सेंटर में आपके पास आता है 2ab। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहां पर गौर करो तो a की जगह यहां पर आपके पास लिखा है x, b की जगह आपके पास लिखा है 9, नहीं लिखा, ये b का स्क्वायर है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, तो b की जगह पर आपके पास लिखा हुआ है 3 और ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में आपके पास आता है 2 into ab। 2 into ab का मतलब है 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो यहां पर आपकी पहली टर्म x है और दूसरी टर्म आपकी 3 है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 into x into 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 6x ही बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये फॉर्मूला अगर आप क्लोज करें तो आपके पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अगर आप क्लोज करके लिखें तो ये आपके पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है आखिरी टर्म, तो यहां पर आपकी पहली टर्म x है, आखिरी टर्म आपकी 3 है, सेंटर में प्लस है तो ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना। ठीक है, और अगर आपको ऐसे फॉर्मूला क्लोज करना नहीं आता तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको फैक्टराइज कर लें। आपके पास है जी x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, फैक्टराइज करते कैसे हैं कि यहां पर आपके पास 9 है और इधर आपके पास कोफिशियंट 1 है, तो 9 वन जार आप करते हो 9, साइन प्लस का है, यहां पर आप लगाते हो प्लस। उसके बाद आप देखते हो कि 9 आपके पास किस किस के टेबल में आ रहा है, एक आपके पास 3 3 9 होता है और एक आपके पास 9 1 9 होता है। ठीक है, फिर आप चेक करते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आप प्लस करें तो आपके पास ये सेंटर वाली वैल्यू बने, तो वो 3 और 3 है। ठीक है, तो यहां पर x का स्क्वायर आ जाएगा, 6x को आप ब्रेक करके लिख देंगे 3x और 3x, आगे आपके पास लिखा हुआ है प्लस 9। यहां से दो दो टर्म्स करके आप कॉमन कर लें, पहली दो टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 3, अगली दो टर्म्स में से आपके पास 3 कॉमन आएगा और अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से भी अगर आप देखें तो आपके पास x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये भी मैंने कॉमन कर लिया और ये भी मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 का क्या मतलब है कि ये x प्लस 3 का आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 है, तो ये दोनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन ये रिपीटेड है। ठीक है, तो ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपका केस नंबर 2 है। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को आप कैसे लिखते हैं, आप एक कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे आप अपना लीनियर फैक्टर लिखते हैं विद पावर 1, फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे आप अपना लीनियर फैक्टर लिखते हैं पावर बढ़ा के, यहां पावर 1 थी, जब पावर 1 बढ़ाएंगे तो यहां पावर 2 आ जाएगी, और तब तक आप पावर बढ़ाकर लिखते जाते हैं जब तक आप वापिस इस पावर तक नहीं पहुंच जाते। तो आप देखें मैं दो स्टेप्स में इस पावर पे पहुंच गई हूं। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप यहां से देख लो, पावर अगर 2 है ना तो यहां पर 2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो 2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे, पहले कॉन्स्टेंट के नीचे आपने पावर 1 रखनी है, दूसरे कॉन्स्टेंट के नीचे आपने पावर 2 रखनी है। अगर यहां 3 होता तो फिर आपके पास 3 कॉन्स्टेंट्स आने थे, अगर 3 होता यहां पर तो फिर आप आगे प्लस सी लिखते और नीचे आप एक्स प्लस 3 की पावर कर देते 3। ठीक है, तो पावर 1 बढ़ाकर लिखते जाते हैं जब तक आप वापस अपने इस पावर पे ना पहुंच जाए। तो अगर यहां पर 3 होता आपके पास तो यहां पर आप एक टर्म और ऐड करते। ठीक है, यहां पर अब आपके पास 2 है तो आपने 2 टर्म्स तक लिखना है इसको, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर का एलसीएम आपके पास आएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी आपके पास दोनों टर्म सेम हो तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो अब आप x प्लस 3 होल स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और x प्लस 3 होल स्क्वायर से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां से ये वाली टर्म इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपका राइट साइड का डिनोमिनेटर और आपकी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और ये आपके पास आ जाएगा 10x plus 25 is equals to a into x plus 3 plus b, ठीक है, a into x plus 3 आपके पास आ जाएगा a into x plus 3 plus b, ठीक है। उसके बाद आप देखो, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, अपने लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके लीनियर फैक्टर यहाँ पे को क्या है, x प्लस थ्री का स्क्वेयर है ना, तो आपका लीनियर फैक्टर यहाँ पर x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। तो दोनों लीनियर फैक्टर्स आपके पास सेम ही है, तो इसमें से किसी एक को आप जीरो के इक्वल रख लें। यहाँ पर जब आप x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, ठीक है। तो मैंने x की जगह पर माइनस थ्री लगाया, ये 25 आपके पास वैसे ही, यहां जब आप x की जगह पर माइनस थ्री लगाएंगे तो ये माइनस थ्री प्लस थ्री आपके पास ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और यहां पर आपके पास रह जाएगा b, ठीक है। अब ये माइनस थर्टी आ जाएगा प्लस 25, माइनस थर्टी प्लस 25 करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू तो आपको मिल गई माइनस फाइव, a की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप पहले इसको ओपन करके लिख लो कि ये a ने आपके पास x से भी मल्टीप्लाई होना है, a ने आपके पास 3 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3a और आगे आपके पास लिखा हुआ है b। अब अगर आप गौर करो तो ये 3a plus b आपकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ना इसके साथ x है ना इसके साथ x है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड से x के कोफिशियंट्स कंपेयर कर लिए। राइट साइड पर x का कोफिशियंट a है और लेफ्ट साइड पर x का कोफिशियंट 10 है, ठीक है। तो जब आप x के कोफिशियंट्स कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू a। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। a की वैल्यू 10 आई है, b की वैल्यू माइनस फाइव आई है। यहां a की जगह पर 10 लगा दें और यहां b की जगह पर माइनस फाइव लगा दें तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है तो इंटेग्रल आप दोनों साइड्स पे अप्लाई कर लें, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। यहां पर आपके पास पावर 2 है, जब पावर 1 से एक्सीड कर जाए तो उसको आप ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाकर आपकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहां पर 1 ओवर x प्लस 3 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3, और यहां पर जब x प्लस 3 की पावर माइनस 2 को आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने से पहले आपने देखना है कि आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो, यानी कि पावर को छोड़कर आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो। तो पहले इसका डेरिवेटिव चेक कर ले आपके पास क्या आता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 आपके पास 1 है, यानी कि x प्लस 3 का डेरिवेटिव आपके पास 1 आएगा और 1 आपके पास हर जगह मौजूद होता है। इसका मतलब पावर को छोड़कर आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, जब माइनस टू में आप 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस 1 और उसी से आपने डिवाइड कर देना, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और यहां पर आपके पास पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए और एंड पर आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके पास माइनस टू एक्स ओवर एक्स का स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर आप देखो कि अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो आप कहते हो कि ये आपके पास इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वेयर के, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, तो आप कहते हो कि ये आपके पास इक्वल है एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर के, ठीक है। और अगर y की जगह पर आपके पास 1 आ जाए, ठीक है, y की जगह पर अगर 1 आ जाए तो ये आपके पास बन जाता है x का स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1, तो इसका मतलब फिर ये आपके पास क्या फर्क आया, यहां पर सिर्फ y की जगह पर आ गया 1, इसका मतलब ये आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वेयर बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको क्लोज करके लिख दिया कि ये मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वेयर है। उसके बाद आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, तो जैसे आपने ऊपर वाले को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व किया है
बिल्कुल वैसे ही इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, उसके नीचे आप लीनियर फैक्टर लिखोगे विद पावर 1, फिर आप दूसरा कांस्टेंट लिखोगे और उसके नीचे यही वाला लीनियर फैक्टर आप लिखोगे एक पावर बढ़ाकर, और पावर आप तब तक बढ़ाते हो जब तक आप इस पावर तक ना पहुंच जाओ। तो आप सेकंड स्टेप में इस पावर तक पहुंच जाओगे तो नेक्स्ट आपको कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो ही आपके पास कांस्टेंट्स ऐड होंगे। उसके बाद जब आप इसका एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा -2x is equals to a into x minus 1 plus b, ठीक है। अब आप लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे आपके पास, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसमें से किसी एक को भी आप जीरो के इक्वल रख लें तो आपके पास वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब जब मैं x को यहाँ पर 1 रखूंगी तो 1 माइनस 1 जीरो, ये वाली टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, और जब यहाँ x की जगह पर 1 रखूंगी तो माइनस 2 इंटू 1 मेरे पास आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फिर कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर a को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ax, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस a, और आगे आपके पास लिखा हुआ है प्लस b, ठीक है। तो अगर आप कॉफिशियंट्स कंपेयर करें x के, तो यहाँ x का कॉफिशियंट आपके पास a है, यहां से आपके पास x का कॉफिशियंट आ जाएगा माइनस 2, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। यही बात मैंने नीचे लिख भी दी है, कंपेयरिंग कॉफिशियंट्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। उसके बाद आपके पास a भी माइनस 2 आया, b भी माइनस 2 आया, यहां आप पुट कर लें, ये माइनस 2 आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि यहां मैंने 2 रख दिया माइनस 2 की बजाय, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, 2 को भी आप बाहर निकाल लें। ये पावर आपकी पॉजिटिव है लेकिन जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ये लॉग में चला जाएगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने सिंपली पावर में एक ऐड करना है और उससे डिवाइड कर देना है, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा, और ये पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, और एंड पर आप ऐड करेंगे अपना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।